ये जो उड एप्पल है इसे हम बेल भी कहते हैं। गर्मियों के टाइम में इसका शरबत तो लाजवाब बनता है। आज मैं वही बनाऊंगा आपके लिए, उड एप्पल यानी बेल का शरबत बनाऊंगा। बेल का शरबत बनाऊंगा, बेल को फोड़ूंगा। कैसे फोड़ूंगा देखता हूँ, बहुत मजबूत है, ऐसे फूटेगा। देखिए बेल स्मेल करके देखिए, अगर मधु की तरह यानी शहद की तरह सुगंध आ रहा है तो बेल पका हुआ है, और आप एक दो बार मारने से फट जाएगा वो। जैसे मेरा फट गया है, देखिए इसका ऊपर का जो उड है इसी से तो इसका नाम है उड एप्पल। अंदर मीठा फल है, फल है, और ऊपर सख्त लकड़ी। बहुत आसानी से बन जाता है यह शरबत, ज़्यादा मुश्किलात नहीं आती। और जो मुश्किल है इसका ऊपर का ये हटा दें, अगर एक साइड का हट गया है तो आप एक चम्मच लें, बिल्कुल ऐसे देखो ये फटाक से बिना कोई मेहनत के। ऐसे तो आप बोलते हो मेहनत, चम्मच टूट जाएगा, चक्कू टूट जाएगा, कुछ नहीं टूटता है भाई साहब। देखिए कुछ टूटा नहीं, टूटा ना। तो ये कुछ टेक्निक है मेरा बेल का शरबत बनाने से। और देखिए आप चाहो तो इसमें चीनी डाल सकते हो, चाहो तो ना डालो। देखो अगर इस वक्त इसमें पानी डालोगे, इस वक्त ऐसे में, तो हालांकि ये तो पिघल जाएगा, लेकिन इसमें देखो, देखो आपको दिख रहा है इसकी शहद, मुझे दिख रही है, देखिए देखिए शहद दिख रही है इसकी। इसमें चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत मीठा है ये, बहुत मीठा है ये। इसकी शहद अच्छी तरह से हैंड वॉश किया है सैनिटाइजर से, तो सैनिटाइजर भी लगाया हो, हैंड वॉश भी किया हो, क्योंकि स्वच्छ भारत, साफ रहेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, समझे कि नहीं समझे। तो आज मैं अकेले हूँ कि मेरी वाइफ नहीं है आज, तो मुझे अकेले ही बनाना, अकेले ही पीना है, बहुत सारा शरबत है, अकेले ही बनेगा, अकेले पीऊँगा। तब तक लो नमस्कार। देखो मैंने बेल को अच्छे से मैश कर लिया है, क्योंकि देखो अभी उसकी रेसे जाएंगे नहीं जब तक, देखो पीछे से क्या कर रही है, देखो देखो देखिए आप, देखिए आप इतनी बदमाश लड़की, अब मेरे वीडियो में हमेशा देख रहा है, आजकल बहुत बदमाशी कर रही है ये। एक्चुअली कैमरामैन थी मेरी, और पैसा बजट हिल गया मेरा, इसी से शादी कर लिया, फिर भी कैमरामैन का भी काम कर लेती है, क्या करे, गरीबी में आटा गीला। अच्छा बताते हैं अगला वीडियो आपका हम। अच्छा सर पानी मैंने डाल दिया है, और हाथ मैंने एकदम अच्छे से साफ कर लिया है, सैनिटाइज, हाइजीनिक आदमी हूँ मैं, सबको बहुत ठंड पानी है, बहुत चिल्ड वाटर है, दिख रहा है। इसके सारे रेसे निकाल लेना है, उसके बाद इसमें चीनी डालना है, क्योंकि कभी कभी बेल उतना मीठा होता नहीं है, बट वो दिखता है मीठा है लेकिन होता मीठा नहीं है। आप चाहो तो चीनी डाल दो, ना चाहो तो मत डालो। अगर बेल आपका मीठा है, अगर बेल में दिख रहा है शहद, तो आप मत डालो चीनी, वरना बहुत मीठा हो जाएगा ये। इसको अच्छे से घोल लो। और आप क्या सोच रहे हो कि मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊं? अरे यार कभी कभी बिना हिस्ट्री के भी वीडियो देख लेना चाहिए, कुछ तो खाने और पीने का छोड़ दो, खाली पढ़ते रहोगे, बैरिस्टर बनना है क्या? इसका कोई हिस्ट्री नहीं है, बस पहले से आया होगा भी तो मुझे पता नहीं, सब चीज मुझे थोड़ी पता होता है। लेकिन आप तो हिस्ट्री वाले खाना वाले हैं। मैं हिस्ट्री वाले खाना वाले मतलब कौन चीज का, मेरे को आप क्या समझ रखी है? देखो मेरी बीवी के साथ मेरा नुकसान चल रहा है, मेरे को समझ रखी है रामचंद गुहा हिस्टोरियन, मैं सिंपल सा आदमी। हाँ तो वही देख के साथ खाना बनाने वाले कुकिंग सेफ महंगा सेफ कहाँ चल रहा था, सोचे कर लो शादी सेफ का काम करता हूँ, झंझटे खाता हूँ।
कैसे बेइज्जती पे बेइज्जती की जा रही है मेरी? आप क्या कर रहे हैं? मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ अपने व्यूअर को। मैं भी अपनी सच्चाई बता रही हूँ। ये हाइट कम फाइट ज्यादा लड़की है, देखो उस। आप बोलिए। नहीं नहीं नहीं, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, हाइट कम फाइट नहीं, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सपोर्टिव है। झूठ बोलना चाहिए कब। और नहीं, इनका चल रहा है, अपना चल रहा है, अपने बस्ती में है, देखो देखिए सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। मैं भी हंसी कम नहीं। और देखिए ऐसे रेसे निकलेंगे, ऐसे रेसे निकलेंगे, इसको और निकालना और रेसे को साइड कर लेना, रेसे को अलग कर लेना। चाहो तो आप स्टेनर का यूज करके अलग कर सकते हो, चाहो तो छन्नी, या तो चाहो तो आपके घर में कोई भी सफेद कपड़ा होगा सूती, उससे भी आप रेसे अलग कर सकते हो। लेकिन पहले आप अच्छे से रेसे में जितने भी रस है ना उसको निकाल लो, ताकि आपका जूस अच्छा बने और नुकसान ना हो। तो मेरा लगभग रेसा निकल गया। देखिए हम में से बहुतों के पास स्टेनर नहीं होता है, मेरे पास है, लेकिन फिर भी मैं आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं सूती के कपड़े को दो बार फोल्ड करके एक परात में ऐसे रख लूँगा, और जो मैंने बेल के रेसे निकाले हैं, मतलब बेल को अच्छे से मैश किया हुआ है, उसको मैं इस कपड़े में डालकर पूरे शरबत को इसमें डाल दीजिए। और अच्छे से गालिए। देखिए जल्दी कीजिए। ये है मेरा वुड एप्पल बेल या एप्पल वुड का शरबत। ये गर्मियों के लिए बेहतरीन है, बनाइएगा ज़रूर। बनाने के बाद कमेंट में बताइएगा कि किसका ज़्यादा गाढ़ा रंग आया, आपका या मेरा। मैंने कोई कलर नहीं डाला, बिल्कुल येलो येलो।